सो हे गाइस, होप यू गाइस डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार, पिछले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था, एक प्लांट के बारे में पूछता, तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिया। मतलब बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही नाम है, उसका नाम है छुई मुई, ठीक है। और वो ज़्यादातर हमारे इन पहाड़ों के साइड ही पैदा होते हैं, मतलब उगते हैं, पैदा होते हैं, उगते की बात है, जो भी है। तो काफ़ी सही आंसर दिया तुम लोगों ने, तुम्हें इनाम तो मिलने वाला नहीं है, पर मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो यार, आज का दिन भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, आज भी मस्त करके धूप निकली हुई है और अभी हल्की हल्की हवा चल रही है। मतलब मे भी बारिश हो सकती है, क्योंकि एक हफ्ते तक वेदर वालों ने बारिश बता दी है, बट आज धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है मस्त, तो काफ़ी सही लग रहा है मौसम। और अभी मैं आ रहा हूँ हिमांशु के घर पर, जो कि ये खड़ा है मेरे पीछे, मुझे देख रहा है। तो इसके घर में एक्चुअली कुछ टाइम से कोई है नहीं, तो मैं और सत्यम ही आ गए थे। तो आज हम कुछ मतलब खाना वाना तो मुझे बनाना पड़ेगा, तुम लोगों को पता ही है कि तुम्हारा भाई ढाबा खोलने वाला बहुत जल्दी, तो खाना वाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो अभी ज़रा ये लौंडे ज़रा पोछा वोछा मार रहे हैं, तो इनको दिखाता हूँ मैं चुपके चुपके तुम्हें, और उसके बाद देखते आगे क्या बनता है ब्लॉग में। प्रियांशु भाई भी झाड़ू मार रहा है घर पे, वेरी गुड गुड गुड। सत्यम भाई भी पोछा मार रहे घर में, क्या बात है भाई, क्या हाँ गया ये रहा गुड यार, लौंडे गुड यार, काम भी करता है तू। कितने रुपये मांगे तूने इनसे पोछा मारने के लिए? 150 रुपया देगा। एक ये देखो, उठ भी उठ, अबे वो दोनों ये झाड़ू मार रहा है, वो पोछा मार रहा है, तू क्या कर रहा है? मैं कितने देर में अभी वो देख वो ये लेकर आ रहा है। A few moments later. तो यार, मैक्रोनी बनेगी आज, हम ले आए मैक्रोनी। और ये कितने रुपए की है भाई, इतनी सारी कौन खाएगा? तो बहुत सारी बनेगी है, पर आधी बनाएंगे इसको जल्द। ये लौकी जो मैं बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए हम मैक्रोनी लाए। और ये क्या लाए साथ में, मैक्रोनी मसाला? अरे नहीं यार, गुड। चल भाई इसको बॉईल कर, बॉईल इसमें कर, इसमें पतीले में। तो यार, इस बंदे ने मैक्रोनी रख दिया गैस में, अब इसे पता नहीं है कि अगर हम मैक्रोनी को ऐसे छोड़ देंगे तो चिपक जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा ताकि ये चिपके ना। तो इसको बॉईल होने छोड़ देते हैं और ऑयल डाल के, तब थोड़ी देर में मिलते हैं। धर 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 धर। बटे अभी यहाँ पे घमासान युद्ध हुआ था। नहीं नहीं, कौन सी टीम? पांडव और कौरवों के बीच खतरनाक युद्ध। तो यार, हमारी मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गया है। देखो, तेल डालने का फायदा क्या हुआ कि कोई भी मैक्रोनी मस्त करके चिपकी नहीं है, मतलब सारी की सारी खुल रही है अच्छे से, बहुत परफेक्टली बॉईल हो गई है। तो अभी इसमें बहुत गरम गरम भाप निकल रही है, थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसी। ओए, इसका जितना भी गर्म पानी है सारा निकाल। अच्छा नहीं, तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। प्रात निकाल दे, उससे निकाल दे सारा जितना पानी है इसका। तो यार, अपनी मैक्रोनी बहुत बढ़िया तरीके से बॉईल हो गई। इसमें मैंने तेल मिला दिया था पहले ताकि ये चिपके ना, और देखो कितनी मस्त करके खुल खुल के बॉईल हो रही है। और अभी ये गर्म है तो इसको ठंडा होने छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद बनाएंगे इसे। A few moments later. सर, मैक्रोनी बॉईल कर ली। पहले हमने मैक्रोनी बॉईल करी एक्चुअली, फिर ये कम हो गई थी 5 बंदों के लिए, तो हमने थोड़ी सी और बॉईल करी बाद में। और अभी मैंने इसमें टमाटर तो नहीं डाले, बट अभी मैंने प्याज डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर बढ़िया करके भुनने देंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब दूध फ्रिज में रखो, दूध फ्रिज में रख, उबालने के बाद यहीं छोड़ देते हो दूध को, ठंडा है वो, ठंडा है तो कुछ भी नहीं है देख। अभी जो मुझे फीलिंग आ रही है, प्रॉपर मास्टर शेफ वाली फीलिंग आ रही है गाइस, ढाबा खुलेगा बहुत जल्दी। कौन सा वाला ढाबा, नाम क्या रहेगा ढाबे का? अक्की पाजी का ढाबा। अक्की पहाड़ी ढाबा, पानी पे पाजी। अच्छा पाजी, मैंने पहाड़ी बोला वैसे। मुझे फूके गया साइड से। तो गाइस, हम इसको थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए रख देते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, देखिए जला हुआ मिलेगा। तो यार, अभी मुझे सौरव जोशी भाई का ओरियो की छोटी बहन मिली है। देखो इसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, आज के लिए हिल नहीं दिए पता नहीं क्यों। हेलो भाई, देखो उसकी जैसे लग रही है ना, क्या होता है पमिलियन, पमिलियन डॉग के जैसे, जैसे जहाँ पे था वहीं पर रखते हैं। चल भाई, अब अपनी मैक्रोनी पर ध्यान देते हैं। ओके, तो मैंने कहा था ना फूक जाएंगे, हल्के हल्के बर्न हो गए साइड से। तो अभी मैंने इसका हल्का सा ग्रेवी वाला मसाला तैयार किया है ताकि ये मैक्रोनी में आराम से चिपक जाए। A few moments later. तो
तो मैंने मैक्रोनी भी डाल दिया इसमें और काफ़ी सही लग रहा है। मतलब नॉर्मल जैसे घर पे बनती है ना उस स्टाइल की बनी हुई है। बाद में इनसे रिव्यू पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। आजकल मैं एक्चुअली खाना बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मुझे लग ही रहा है कि मैं बहुत जल्दी ढाबा खोलने वाला हूँ। तेमांसु भाई सॉरी प्यांसु भाई, प्यांसु भाई कैसे हो रही मैक्रोनी? स्क्रिप्टेड तो नहीं था ना? तो मैं बताएंगे सत्यम भाई, बिल्कुल बेइज्जती मारते हमारी। बताना यार कैसे हो रही है, मस्त हो रही है? प्याज अच्छे हो रहे हैं भाई ये तो। तो मैक्रोनी तो मैक मैदा आया है पूरा, पर ठीक से तारीफ कर ले भाई, क्या बेइज्जती कराएगा तो कैमरे में? अच्छा 5 रुपए देगा? अच्छे हो रहे भाई, एक नंबर। 5 रुपए के क्या खाएगा तो ऐसा? चलो यार ठीक ठाक हो रही है इनका, मुझे नहीं पता, मेरे को तो बढ़िया लग रही है। तो यार लास्ट वाली वीडियो में तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच आप सभी का तहे दिल से, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और यार वो चीज़ गलत भी थी एक तरीके से, मतलब गलती कह सकते कि मतलब बच्चे की भी थी। कमेंट करके लोग बोल रहे थे कि भैया गलती बच्चे की भी, हाँ यार गलती बच्चे की भी थी, वो भी इतनी तेज़ बारिश के टाइम पर नदी में नहाने गया था। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, बारिश के टाइम में तो कभी मत जाओ नहाने के लिए, घर पर रहो और घर पर नल वर है उसमें नहा लो यार, क्या बारिश में नदी में जाना जरूरी है क्या? गलती तो गलती है, अब क्या बोले। बट वो चीज़ कुछ मुद्दा कुछ और था, बात कुछ और बन गई कि खनन वालों ने इतना गहरा गड्ढा कर दिया और नीचे वाले बीएल पुल से लेकर ऊपर बीएल पुल तक बहुत लंबा गड्ढा हो गया। इससे हमारे जो पुल है ना इनको नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, अभी नहीं होगा पर बाद में ज़रूर होगा। तो इस चीज़ के ऊपर वो मुद्दा बन गया था बाद में, बट आप लोगों ने काफ़ी सही रिस्पांस दिया और आपको भी कुछ चीज़ सही लगी होगी उसमें जो मैंने बताई, और कुछ चीज़ गलत मेरी तरफ से, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। तो यार मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है आजकल, एकदम मस्त खुला खुला आसमान, बिल्कुल नीला नीला सा हो रखा है और खेतों में बिल्कुल हरी भरी हरियाली हो रखी है। और यार बारिश रुकने के बाद लोग वापस से अपने खेतों में काम करने चालू हो गए। देखो जी धान लगा रखे हैं, इसको वैसे गढ़वाली में बोलते हैं शारे, और देखो पानी भी जमा हुआ है हल्का हल्का, लेकिन अब ये सूख गया है। तो फिर से बारिश आएगी तो ये फिर से बढ़िया करके उग जाएंगे। हल्की हल्की आनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू नहीं आनी चाहिए, कभी कभी आए तो फिर अच्छा रहता है, तब जल्दी जल्दी उगते हैं चीज़ें। अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर ये गल जाते हैं, देखो पीले पीले से हो रहे ना पत्ते, अगर मैं भी दिख रहा होगा तुम्हें कैमरे में, तो ये ज़्यादा पानी के कारण होता है, इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं देना होता है, मतलब लेवल रखना होता है हर चीज़ का। तो गाइस इनसे मिलिए, ये है हमारे गौरव भाई, और क्या हाल है? वही कपड़े पहन के आ यार, बिस्कुट दे दे यार। मैं तो क्या समझ रहा, मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा गुड। तो गाइस ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं और इनसे हम ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं। धन्यवाद गौरव भाई, मिलेंगे बाद में। कपड़े पहन के आन दो, उसके बाद देखना। ऐसे बोल दे सब्सक्राइब 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 कर दो, लाइक लाइक शेयर। चलो फिर बाय। देख रहे हो, देख रहे हो, इसको बोलते दोस्ती। भाई ने बिस्कुट दे दिए, अब मैं इसको इसको दूंगा यार, ये बहुत टाइम से देख रहा है। ये हमारा शेरू बेचारा चल भी नहीं पा रहा ठीक से, क्योंकि इसके जो नाखून है काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ना, दिक्कत करता है इसको। शेरू चल, तेरे को दो नहीं दूंगा मैं, बाकी सारे दूंगा, ले खा ले। अब एटीट्यूड नहीं दिखाना मुझे, हाँ तरीके से। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और स्टिल अभी हमने कुछ नहीं किया, मतलब घर पे बैठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा बोरियत आ रही है घर के अंदर, और वो दोनों तो मतलब सत्यम और हिमांशु लोग तो खा पी के सो गए थे, और अभी तक तो धूप निकली हुई थी, लेकिन अब फिर से छाँव हो गई, और मेरे को लग रहा है उस साइड से मतलब कणाश्रम वाली साइड से बारिश आना चालू हो गई है। तो शाम तक रात तक बारिश वाला मौसम हो सकता है भाई, चांस गलत सीन हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा बारिश बारिश बारिश, और पहाड़ों पे जाने का कुछ मतलब नहीं बनता, लैंड स्लाइड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो घर वाले बोल रहे कि अभी जाओ मत। तो यार शेरु भाई तो ऐसे सोते हमारे, शेरु भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? ओए और बाकी इधर ही दोनों मस्त करके सो रहे हैं बिडू। चलो उनको सुन देते हैं, अरे मानसो भाई क्या कर रहे हमारे नाइस पोज। तो यार अभी बज रहे शाम के 4:30, और यार उसके बाद मतलब खाना वाना खाने के बाद हम लोग सब सो गए थे, नींद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा वाली। तो अभी जस्ट उठा मैं, और उठते ही मतलब मेरे दोस्त का मैसेज आया मुझे कि यार तेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद आप सभी लोगों का 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। मुझे लगा था कि इस वाले वीडियो में कंप्लीट होंगे, लेकिन जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसी के टाइम पे वो कंप्लीट हो चुके थे, तो ये वीडियो तो बाद में आएगी। तो खैर कोई नहीं, सब लोगों का धन्यवाद तहे दिल से, और अब जाके फाइनली मैं अपने बाल कटवा सकता हूँ, ठीक है। और अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, पहले लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन अब बहुत तेज़ धूप हो रही है। मौसम भी तुम देख सकते हो पीछे कितना नीला नीला हो रखा है, और सत्यम भाई यहाँ पर बैठ के बिस्कुट खा रहा है, बिस्कुट
तो यार थैंक यू सो मच, आप सभी का 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और जो गिव अवे वाला सीन है वो उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, अलग से बताऊंगा कि क्या क्या करना है उस चीज़ के लिए। तो यार अभी हो रहा है बहुत प्यारा वाला सनसेट, देखो बहुत टाइम बहुत दिनों बाद आज बहुत प्यारा वाला सनसेट हो रहा है, सामने व्यू बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। तो यार इस ब्लॉग का ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको करते हैं यहीं पे एंड। और थैंक यू सभी लोगों का, आप सभी लोगों का 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, जो कि बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, फ्रीज हो रखे थे, तो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।